हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उनके लिए डाउट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिक्योरिटी फी आपसे ली गई है 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 5,000 फॉर ओबीसी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, वो सिक्योरिटी फीस किन किन स्टूडेंट्स की वापस होगी और जब सिक्योरिटी फीस वापस होगी तो सिक्योरिटी फीस के लिए रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक बिना स्किप किए देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे सामने जो एक नोटिफिकेशन है जो कि एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ था, मे बी ये अब रिमूव कर दिया गया, लेकिन अगर आप ये पूरा एक नोटिफिकेशन है जिसमें 100 क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर्स दिए हैं, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप फॉर्मेट करें, हम आपको मेल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट की काउंसलिंग में सबको फ्री एग्ज़िट मिलेगा। फ्री एग्ज़िट का मतलब कि आपने अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपको रिफंड वापस हो जाएगी, तभी आप काउंसलिंग छोड़ना चाहें। अगर आपको कॉलेज मिलेगी और आपने ज्वाइन नहीं किया तब भी आपकी रिफंड हो जाएगी, मतलब कुछ भी हो आपकी पहले राउंड में आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। सिक्योरिटी फ़ीस, केवल सिक्योरिटी फ़ीस रिफंड होगी, जो आपने 1,000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है वो रिफंड नहीं होगी। चलिए सेकंड में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा राउंड में सेकंड काउंसलिंग या डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग, इसमें फ्री एग्ज़िट नहीं है। फ्री एग्ज़िट मतलब नहीं है, मतलब आपको कॉलेज मिल गया तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं होगी। अगर आप मतलब आपको कॉलेज मिलेगी और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं होगी। अगर आपको कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वापस सेकेंड राउंड में नहीं होगी। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल रहा है और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी वो सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं होगी। अगर कॉलेज मिल गया और आप फिर भी ज्वाइन कर लिया आपने तो फिर तो वो वापस होनी ही नहीं है। अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हो रहा है तो आपको उसको फीस जो है वो वापस मिल जाएगी। सेम प्रोसेस है स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा में पहले राउंड में आपको फ्री एग्ज़िट मिलेगा, आप ज्वाइन करें या ना करें आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी, लेकिन सेकंड में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया था और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, फैक्स फॉर ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग एंड 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं अगर आप फीस रिफ़ंड आपकी हो रही तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करें, रिफ़ंड कहाँ मिलेगा आपको। तो इसी इन्फॉर्मेशन में नीचे की साइड एक और इन्फॉर्मेशन है, रिफ़ंड इन्फॉर्मेशन क्लॉज। इसमें लिखा हुआ है कि जैसी आपकी काउंसलिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद एमसीसी की वेबसाइट पे एक रिफ़ंड को लेके एक एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। उस एप्लीकेशन पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिफ़ंड है वो आपको मिल जाएगा। रिफ़ंड आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है तो उसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपका रिफ़ंड आएगा। अगर आपने बैंक में आपने जो रिफ़ंड किया है तो जो सेम अमाउंट आपने जो सेम अकाउंट नंबर सेम आईएफएससी कोड जो सब आपने एंटर किया था वो आप वहाँ पे एंटर करेंगे उस फॉर्म में, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर आपका वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो उन्होंने नीचे लिखा है कि स्टूडेंट से है कि वो अपना जो अकाउंट है वो एक्टिव रखें ताकि रिफ़ंड की प्रोसेस उसमें हो सके, तो ये ऐसा आपको रिफ़ंड मिलेगा। सेकेंड एक और क्वेश्चन है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है क्या वो दूसरे बैंक अकाउंट में अनरिलेटेड बैंक अकाउंट में आ पाएगी, तो ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी जो है वो आपकी उसमें रिफ़ंड नहीं हो पाएगी। फोर्थ, क्या हम किसी और रोल नंबर से वो रिफ़ंड ले सकते हैं, नहीं, आपका रिफ़ंड आपके ही रोल नंबर से आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हैं। अगर आपको ये पूरा 100 क्वेश्चंस का एक वाउचर है, पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको ये चाहिए, अगर वहाँ पे वेबसाइट पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप नीचे मेल टाइप कर अपनी कमेंट बॉक्स में, ये हमसे हम आपको मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।